नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इंदौर के MY अस्पताल में वहीं के एम्बुलेंस चलाने वाले शानू खान को परिसर में अवैध वसूली करने वाले दीपक वर्मा, रमेश वर्मा ने अपने साथियों के साथ रोबदारी दिखाते हुए तलवार और चाकू से सर, पेट, एर जांघों पर कई वार किए और पीड़ित की जेब से सारे रुपए निकाल लिए। MY में पीड़ित की एम्बुलेंस भी तोड़फोड़ दी, साथ ही बीच बचाव करने आए शानू के भाई को भी घायल कर दिया। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि पूर्व में भी आरोपी शानू को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं, जिसका आवेदन 4 माह पहले पीड़िता द्वारा क्षेत्रीय थाने में आवेदन दिया गया था, मगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जब आरोपियों द्वारा पीड़ित के सर पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया है, फिर भी पुलिस पीड़ित की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मेरे पति शानू खान वहां पर गाड़ी चलाते हैं एम्बुलेंस, और वहाँ पर दीपक वर्मा और रमेश वर्मा की गुंडागर्दी चलती है। उन लोगों MY हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे पति गाड़ी चला के आए थे तो उनके कन्हे सिलक थी, उन्होंने धारदार हथियार से चाकू तलवार का उपयोग करके उनको सर पर, पैर पर और जांघ पर इस कदर चोटें दी हैं उनको। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन था वहाँ पर मौजूद, पर उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। इससे पहले भी हमने आवेदन दिए हैं संयोजितागंज थाने में, पर वहाँ पर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही के बाद आप थाने गए, आपने कोई कंप्लेंट? हम थाने गए और मेरे पति खुद गंभीर अवस्था में थाने गए, लेकिन उनकी इस हालत को देखकर ना ही उनके बयान हुए हैं, ना ही उनकी रिपोर्ट लिखी गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।